हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। देखो यार, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, कुछ ज्यादा स्पॉइलर्स दूंगा। हाँ, लेकिन इतना है कि शो कैसा है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलो आज हम लोग बात करेंगे द विचर सीजन 2 की, जिसमें 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे 1 मिनट से लेके 54 मिनट्स के, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने मिल जाते हैं। इस शो में आपको 3 ऐसे मेन कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे जिनकी डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि गेराल्ट जो कि एक विचर है, विचर मतलब ये एक ऐसा बाउंटी हंटर है जो मॉन्स्टर्स को मारता है, उसके बदले इसको मिलते अच्छे खासे पैसे। दूसरी है प्रिंसेस सीरी, और तीसरी है जादूगरनी येनिफर, जो कि पर्सनल मेरी फेवरेट है। खैर, इस शो में हमें एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताया जहाँ पर ह्यूमंस, एल्व्स, विचर, ड्वार्फ्स और मॉन्स्टर्स जो कि बैटल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए। खैर, अगर सीजन 2 की कहानी की बात करो तो सीजन 1 के एग्जैक्ट एंड से शुरू हुई थी, जहाँ पर गेराल्ट को प्रिंसेस सीरी मिल गई थी। अब गेराल्ट को किसी भी तरह से प्रिंसेस सीरी की हिफाजत करनी है, और वही चीज़ हमें सीजन 2 में देखने को मिलती है। और साथ साथ येनिफर जो कि बैटल ऑफ सॉडन हिल के बाद से गायब हो गई थी, तो येनिफर अब अपना जादू भूल चुकी है और वो भी रन पर है। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको सीजन 2 ही देखना पड़ेगा। सीजन 2 सीजन 1 से ज़्यादा मुझे बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पर नए कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं ओल्ड कैरेक्टर्स की बात करूँ, तो यार उनको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपांड किया है, और हर एक कैरेक्टर को और भी अच्छी से जानने का मौका मिला जिस तरह से उनको लिखा गया। और यकीन मानो सीजन 2 बहुत ही गजब है कैरेक्टराइजेशन को लेकर। उसके शो की सिनेमेटोग्राफी एज यूजुअल बहुत अच्छी है, CGI जो कि मॉन्स्टर्स के है, और यार जितने भी वो बैकग्राउंड मोस्टली ये ग्रीन स्क्रीन पर ही पूरा शो शूट हुआ है, तो जितने भी वो जो CGI और VFX वर्क है ना शो का, बहुत अच्छा है। शो में एक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगे, और इस बार जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी, तो वो कन्वर्सेशन का भी अपना एक मज़ा है। उसके बाद शो में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बरकरार रहते हैं, और हर एक एपिसोड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जो आपको खुद ब खुद एक्साइट कर देंगे कि भाई इसका अगला एपिसोड तो देखना ही चाहिए। और अगर इस शो में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हेनरी कैविल एज यूजुअल, अगर सुपरमैन के बाद किसी रोल में वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो वो विचर के रोल में लगे, और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया। जो दूसरे एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी अपने हिस्से के रोल को बहुत बहुत अच्छी तरह से निभाया, और जो सपोर्टिंग एक्टर्स है उनका भी काम मुझे अच्छा लगा। कुछ नए एक्टर्स है वो लोग भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगे मुझे। और अगर शो के डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन भी अच्छा है, मतलब कुल मिला के शो में कुछ नेगेटिविटी तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग को आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ, एक नेगेटिविटी जिसके बारे में बोलना चाहूँगा, ये उन शोज़ में से एक है जिनके जो 8 एपिसोड है वो पूरे नहीं पड़ते, मतलब कम से कम 10 एपिसोड होते तो वो ज़्यादा मज़ा आता, मतलब ये एक ऐसा एडिक्शन है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है भाई। खैर, अगर शो के अब सीजन 3 के रिलीज डेट की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, तो देखो यार सीजन 1 के 2 साल के बाद हमें सीजन 2 देखने को मिला, लेकिन आप लोग ये भी नहीं भूलना कि बीच में कोविड आ गई थी, शूटिंग रुक गई थी, और हेनरी कैविल इंजर्ड भी हो गए थे शूटिंग के दौरान, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि 2 साल का गैप हुआ हो। लेकिन अगर सीजन 3 की बात करूँ तो यस, रिन्यू हो चुका है, ये तो काफ़ी हद तक पहले ही हमें पता चल चुका था, लेकिन ये रिलीज़ कब होगा तो चांसेस ये है कि सब कुछ ठीक रहा, हालांकि अब इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी ऐसी राइटिंग के स्टेज पर है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2022 के यानी कि अगले साल के दिसंबर में हमें इसका सीजन 3 देखने को मिल जाए। लेकिन अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो फिर वो 2023 में आएगा, लेकिन पॉसिबल है कि 2022 में आ जाए। खैर, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ सीजन 2 की, तो यार देखो यार, इसमें न्यूडिटी है, इसमें एडल्ट सीन है, इसमें वॉयलेंस है, तो यार ये फैमिली के लिए तो कभी बनाया ही नहीं गया शो, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, पूरा 10 मार्क्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी भी GOT मेरे लिए बेस्ट शोज में से एक है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी, और सीजन 2 में आपको क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस बाय।